आज भी हमारे देश में सेक्स को लेकर बात करना बहुत ही अनुचित माना जाता है। हम सेक्स और सेक्स लाइफ से जुड़ी समस्याओं के बारे में बात करने से ऐसे हिचकिचाते हैं जैसे हम कोई बड़ा गुनाह कर रहे हों। हालांकि कई लोग ऐसे भी हैं जो सेक्स लाइफ की गंभीर समस्याओं को लेकर खुलकर बातचीत करते हैं, और ये एक तरह से सही भी है और जरूरी भी। आज हम आपको मर्दों में पल रही एक ऐसी बीमारी के बारे में बताने जा रहे हैं जो मर्दों को नामर्द बना रही है, लेकिन फिर भी लोग चुप हैं। पेरोनीज़ी वो बीमारी है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, जबकि ये बीमारी आपकी सेक्स लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर रही है। दरअसल पेरोनीज़ बीमारी में पुरुषों के प्राइवेट पार्ट में कुछ टिश्यूज अलग तरीके से डेवलप हो जाते हैं। कुछ लोग इसे कैंसर समझ लेते हैं, हालांकि ये बीमारी कैंसर से पूरी तरह से अलग है। इस बीमारी में इरेक्शन के दौरान पुरुषों का प्राइवेट पार्ट बेंड यानी कि मुड़ा हुआ हो जाता है, और कई बार दर्द का भी अनुभव होता है। अगर और आसान लफ्जों में कहें तो आज के दौर में ज्यादातर पुरुषों का पेनिस यानी कि लिंग टेढ़ा होता जा रहा है, जो कि एक बड़ी समस्या पैदा कर रहा है। ऐसे पुरुषों को कई बार कई बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीमारी के लक्षण कई प्रकार के हैं। कई लोगों को ये बीमारी बचपन से ही होती है, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि पेनिस के विकसित होने पर धीरे धीरे इस रोग के बारे में पता चलने लगता है। अगर आपका लिंग ऊपर या नीचे की ओर मुड़ा हुआ है तो आपको ये बीमारी हो सकती है। जब पेनिस में इरेक्शन आता है तो समय दर्द का आभास होना या फिर स्वप्न दोष की समस्या आ जाना भी इसका एक मुख्य लक्षण माना जाता है। पेरोनीज़ रोग वाले पुरुष अक्सर मानसिक तनाव का शिकार बन जाते हैं। इसका कारण ये होता है कि वो अपने पार्टनर को संतुष्ट नहीं कर पाते, जिसके चलते उनके रिश्तों में खटास आ जाती है। ज्यादातर यही देखा जा रहा है कि हस्तमैथुन की अति करने से ये बीमारी पुरुषों में ज्यादा उत्पन्न हो रही है। साइंस के मुताबिक बहुत ज्यादा हस्तमैथुन या मास्टरबेशन करने के कई साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे पार्टनर के साथ सेक्स करने में संतुष्टि ना मिलना, आत्मविश्वास की कमी होना, लिंग में सूजन पैदा हो जाना, मन में हीन भावना का आना, लड़कियों को देखते ही सेक्स भावना का जागना, इस तरह के कई प्रभाव हस्तमैथुन करने वालों पर देखने को मिलते हैं। कई बार तो लिंग के अंदर गहरी चोट तक लग जाती है जिससे लिंग टेढ़ा हो जाता है। लोगों को लगता है कि पेरोनीज़ बीमारी लाइलाज होती है, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। आज के युग में लगभग सभी बीमारियों का इलाज है। जरूरत है तो सही वक्त और सही परामर्श की। अगर आप भी पेरोनीज़ बीमारी से ग्रसित हैं, तो इसे छिपाएं मत, बल्कि एक अच्छे डॉक्टर से अपनी परेशानी साझा करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपका पप्पू चुनाव लड़ने से पहले ही हार जाए।